दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। तो अगर आपको नहीं पता है, हर संडे बेसिकली प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, जिसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अब इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा तीन स्टॉक पोर्टफोलियो राइट, और तीनों मल्टी वैगा स्टॉक पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ये लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक है। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं सर आप मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक बताओ, तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट जारी कर दी है मिड कैप की, आप ढूंढ सकते हो ठीक है। और मैं आपको यही बोलूँगा भाई, मिड कैप स्मॉल कैप कुछ नहीं होता है, आप बस ये देखो कि आपको कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता है और आप कहाँ पर रिस्क ले सकते हो और कहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क तो हर जगह है ठीक है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, अगर आप बोलो कि रिलायंस को कुछ नहीं हो सकता, तो कल रिलायंस 7% टूट गया ठीक है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई उसमें हल्का सा चेंजेस किया गया तो रिलायंस आपका नीचे गिर गया 8%। ऐसे अगर कुछ अच्छा होगा कल रिलायंस 10% ऊपर भी चढ़ सकता है। तो मार्केट में भैया ये बोलो कि बिज़नेस बदलते रहते हैं, और जो बदलते टाइम के साथ अपने बिजनेस को चेंज करेगा वही सबसे ऊपर रहने वाला है। और जिन तीन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये तीन कंपनी लास्ट 20 ईयर से यही कर रही है और लास्ट 20 सालों से आपको रिटर्न कमा के दे रही है ठीक है। ये चीज़ स्मॉल कैप कंपनी भी करती है ठीक है। अगर आपको स्मॉल कैप कंपनीज़ के वीडियोस चाहिए, स्टॉक्स चाहिए, पोर्टफोलियो वाले, नीचे कमेंट कर दो, थोड़ा मैं रिसर्च करके, थोड़ा और डीप रिसर्च करके आपके लेके आ जाऊँगा। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक, तीन हाथी जो डेफिनेटली आपको अपने एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में रखने चाहिए, जो आपको छोटे छोटे हाथी बना के दे सकते हैं, मतलब छोटे छोटे रिटर्न बना के दे सकते हैं। अब वो तीन हाथी कौन है देख लो। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, एक सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में, तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करिए अपने विचार कि आपको तीनों स्टॉक कैसे लगे, क्यों अच्छे लगे, और आपने स्टॉक को कितने रुपए के प्राइस में एक्युमुलेट किया था, और अभी क्या आपके पास ये स्टॉक है तो कितने रुपए के प्राइस में है, नीचे कमेंट पक्का करना। तो पहला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री है, कल 7% टूट चुका है ठीक है। एक नई ऑयल पॉलिसी आई है जिस वजह से ये स्टॉक में इतना बड़ा डंप हमें देखने को मिला, और स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन होते हुए दिखा मार्केट में मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद बड़े प्लेयर्स ने इसको सेल करना स्टार्ट किया और एक बहुत तगड़ी नेगेटिव स्टॉक में हमें देखने को मिला। और ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बोली थी, एकमात्र रिलायंस एक स्टॉक है जो मार्केट को अभी बचा रहा है ठीक है। आप देखो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से कल टूट चुका है, तो अब रिलायंस का नंबर लग चुका है टूटने का ठीक है। अब एक रिलायंस एक ऐसा स्टॉक होगा जो मार्केट को क्रैश करवाएगा, जो अभी आपको निफ्टी दिख रही है ना पॉइंट्स में ठीक है। अगर रिलायंस टूटना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले मार्केट को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 के इंडेक्स में ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है। तो अभी तो बस आपने देखा है कि रिलायंस 7% टूटा है, थोड़ा और इंतजार करो, 2000 के लेवल्स भी आपको दिखा देगा, तो वहाँ पर स्टॉक को आप एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। 2100 के लेवल्स के आसपास से स्टार्ट करो, 22000 तक आराम से आपको दिखना चाहिए, वहाँ पर आपको मिलता है तो यू कैन बाय द डिप, स्टॉक को पक्का बाय करके चलना ठीक है। बहुत लोग आपको डराएंगे कि स्टॉक आपको 1500 रुपये के टारगेट दिखाएगा, लेकिन वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ये कहानी बनाई जाती है कि रिलायंस 1100 आने वाला है, 800 आने वाला है, वो नहीं आता है, वो 300-400 रुपये पहले ही सपोर्ट लेके भाग जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा 400-500 रुपये पहले ही बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लोग बोल रहे 1500 आएगा 1600 आएगा, मत सुनो, 2100-2000 के बीच में एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर देना, यही इसका मैक्स पेन होगा, उसके बाद ये आपको वहाँ से गेन ही गेन देने वाला है राइट। इसके प्रॉफिट दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे फील लगता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, नंबर वन कंपनी जो मार्केट को क्या करती है, मतलब इंडिया को चलाती है ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा डेफिनेटली सपोर्ट लगाओ, बाय करो स्टॉक को अगर आप बाय कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है तो यू कैन एक्युमुलेट, नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो। ध्यान रखना एक और चीज़, जिनको नहीं पता, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है ठीक है, तो उस प्राइवेट क्लास में मैंने 50 और 51 ठीक है, 50 और 51 में एक सेटअप आपके साथ शेयर किया है राइट। अभी आपको जो सेकेंड और थर्ड स्टॉक बताऊँगा ना, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, मैंने उस स्ट्रेटजी के बेसिस में उस स्टॉक में पूरे 2 साल का डेटा निकाल लिया, ऑलमोस्ट 2 साल का हो चुका है
ठीक है, उसको बैकटेस्ट बोलते हैं। तो मैंने उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद हमें मोर देन स्टॉक में 100% रिटर्न आया 1.5 साल के अंदर, और स्टॉक का प्राइस वहाँ से हिला ही नहीं है, प्राइस वहीं ट्रेड कर रहा है लास्ट 1.5 सालों से। अब मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हो कि लास्ट 2 ईयर्स से स्टॉक ने बहुत तगड़ा रिटर्न नहीं दिया है, लास्ट 1 ईयर में देखो नेगेटिव रिटर्न दिया है और 5 सालों में मात्र 60% का रिटर्न दिया है। अगर आप लास्ट 1.5 सालों का इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हो, स्टॉक ने मात्र 10% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और ये स्टॉक ने उस सेटअप से जो मैंने आपको क्लास 50 के अंदर बताया था, अगर आपको चाहिए तो आप VR स्टॉक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, साथ में सीट भी शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाई है। ठीक है, मैंने नहीं बनाई, किसी के सपोर्ट से बनाई है। डेफिनेटली अगर आपको वो काम करना है, अगर आप सपोर्ट दे सकते हो तो आप बैक टेस्ट के लिए आ सकते हो, आपका स्वागत है, हम आपको अपनी टीम में डेफिनेटली शामिल करेंगे। बस आपको दिन का 5 या 10 मिनट देना है जिसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हो हमारे लिए, जैसे मैं बोलूँगा आपको वैसा काम करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली मुझे VR स्टॉक्स के हमारा पेज है वहाँ मैसेज कर देना, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आप मेरे से फिर बात कर लेना, जो भी मुझे आपसे काम निकलवाना है जो, ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो सच में तो मैसेज कर देना। तो अगला स्टॉक HDFC बैंक ही है, इसको भी आप एकोमोडेट करके चल सकते हो। मैक्स चार्ट आप देख सकते हो, लास्ट 20 ईयर से हाथी बन चुका है, अब ये छोटे छोटे हाथी आपको देने वाला है, छोटे छोटे रिटर्न देने वाला है। वो कैसे देगा मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि जो कंपनी लास्ट 20 ईयर से मार्केट में वही आगे फ्यूचर में ग्रो करेगी, क्योंकि 20 ईयर से ये बदलाव कर रही है। अगर 20 ईयर से बदलाव कर रही है तो वाई नॉट कि स्टॉक फ्यूचर में क्यों नहीं करेंगे काम, अच्छे काम करेंगे। हाँ, हो सकता है कि 3-4 सालों में रिटर्न ना आए, कॉस्ट टू कॉस्ट रहे, लेकिन भैया रिटर्न देंगे। जैसे रिलायंस का एक टाइम था कि वो लास्ट 10 ईयर से रिटर्न नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने देना स्टार्ट किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, बाकी तो आपको पता है, इतिहास बन चुका है। अरे तो HDFC बैंक को भी नज़रों में रखो, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और डेफिनेटली बहुत बड़े टारगेट्स में हमें फ्यूचर में दिख सकते हैं। और अगर स्टॉक दोबारा 1290 के प्राइस में आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली बाय करना, जैसे लास्ट में बताया था। क्यों? क्योंकि इसका ये 5 सालों का सपोर्ट बनता है। देखो ये 5 सालों का सपोर्ट बनता है, 5 ईयर का चार्ट खुला हुआ है और ये इसने यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट करा था। अब ये ब्रेकआउट नहीं होगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये काम कर भी रहा है। वहाँ स्टॉक आपका 1355 रुपये हो चुका है, तो मैं यही बोलूँगा 1290 तक स्टॉक को पक्का बाय करना अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, एंड द फाइनल स्टॉक, हम कैसे रतन टाटा सर को भूल सकते हैं? तो मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं की कंपनी के बारे में, IT कंपनी के बारे में, TCS शेयर के बारे में। तो इस स्टॉक को भी आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, दूर दूर तक इसका कोई कॉम्पिटिटर मुझे नज़र नहीं आता है। ठीक है, अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बात करें और सर्विस क्वालिटी, वो तो भैया इंडिया में सबसे ऊपर है। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, इंडिया में नहीं सिर्फ, ठीक है, UK US, ठीक है, आपका इनकी हर जगह TCS की सब्सिडरी कंपनी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एकमात्र ऐसी कंपनी होगी इंडिया की जहाँ हर जगह एक कंपनी अपना कारोबार कर रही है। इंडिया में तो धड़ल्ले से कर ही रही है, साथ में आउट ऑफ इंडिया भी कर रही है। तो चाहो तो स्टॉक को आप अपने नज़रों में रख सकते हो। TCS 3300 के अंदर ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली बहुत करेक्शन स्टॉक दिखाई है लास्ट कुछ महीनों के अंदर, 12-15% ऑलमोस्ट टूट चुका है। और ये प्राइस क्या बाय करने लायक है मेरे हिसाब से? 3000 से लेके 3100 का प्राइस, इसके बीच में कहीं भी बाय करना स्टार्ट करो, अच्छा प्राइस है। बिलो 3000 आता है तो आप 27 और 28 से पहले फिर बाय मत करना। ठीक है, क्योंकि कम से कम 10 या 20% का आपको गैप तो लेना है ना, अगर दोबारा एवरेज करना है तो 10% इनफ है किसी लार्ज कैप स्टॉक को बाय करने के लिए। क्योंकि देखो लार्ज कैप स्टॉक टूटता कितना है? 10% 20% मैक्स। यार तुम्हें क्या लग रहा है 1000% टूट जाएगा क्या? ना, मैक्स टूटता है 10 या 20%। और देखो आपके सामने और वो 12% दिखा रहा है और ये ऑलमोस्ट 3000, देखो 3100 का सपोर्ट लेके आया है, तो जैसे बताया 3100 बेस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 15% टूट चुका है, और अगर 3100 भी तोड़ता है तो फिर 20% का आप लेके चल सकते हो कि हाँ स्टॉक 28-29 में रुक जाएगा और वहाँ स्टॉक लेके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा इस टाटा के शेयर को, जो डेट फ्री शेयर है, इसको भी आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। तो ये 3 स्टॉक पोर्टफोलियो जो मल्टीबैगर स्टॉक बना सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हैं, तो आप इन सभी स्टॉक को अपने नज़रों में रख सकते हो। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, दोबारा से मैं आपको स्टॉक के नाम बता दूँ, पहला स्टॉक, तीसरा स्टॉक और दूसरा स्टॉक। तो पहला हो गया आपका रिलायंस, ठीक है, दूसरा हो गया आपका HDFC बैंक, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका TCS। तीनों मार्केट लीड करते हैं अपने
फील्ड के मास्टर है, अपने फील्ड के ये खिलाड़ी है, पक्के खिलाड़ी, और साथ में ये तीनों कंपनी टॉप 5 कंपनीज में आती है, टॉप 3 बोल के चल सकते हो उनको, ठीक है, और ये इंडिया को चलाती है, ठीक है। तो जो इंडिया को चलाती है वो डेफिनेटली अगले 10 साल भी चला सकती है, इतना इनके पास पैसा ऑलरेडी रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़।